जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्नू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी ये अंगड़ाई है आगे आओ। नमस्कार, अभी जैसा कि पता चला था कि कुछ लोग गए थे मंत्री जी के पास शायद मिलने के लिए, अभी ये लोग आ चुके हैं। हालांकि धरने को स्थगित किया गया है, क्यों किया गया ये भी मैं जानने का, ये हमारे बीच में अशोक जी हैं, पीछे ज्योतिरादित्य यादव जी हैं, अन्य भी वरिष्ठ साथी हैं जिन्होंने इस धरने का आयोजन किया था। हालांकि हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि आखिर सच क्या है, उस सच को जानने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि अभी हमारे कुछ बंधुओं की वाइट ली, उन वाइटों को भी मैं चलाया, और इसके अलावा भी अब मैं इस सच को जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समस्त कई लोग खड़े हुए हैं कि आखिर अशोक जी का क्या कहना या अन्य साथियों का कहना। अशोक भाई, आप गए थे, कहाँ गए थे? और लोग यहाँ कह रहे थे कि पूरे दिन आप गायब हो, और ये है मतलब ये भी कहा गया था कि भाई हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ फायदा ले ले, ऐसे भी कुछ बोला गया, तो हम ये समझ नहीं पा रहे नेता के पास गए थे या कहीं बैठे थे या क्या करने गए? हम गए थे भैया परिवार मंत्री के पास, जो है प्रधान मंत्री के पास। कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 लोग गए थे, अकेले नहीं गए थे, 10 लोग भी गए थे। हम लोगों से मुलाकात करीब शाम का भी कुछ देर पहले हुई है, तो उनसे आश्वासन दिया है, हमको आश्वासन के साथों साथ कहे कि आपको सभी लोगों को एक है कि इतना मांगो आपको, तो काफ़ी मांग रहे थे सभी लोग, भाई जानते हैं। ये तो मैं वीडियो में भी कहा हूँ कि एक बार मैं 18 हज़ार कोई नहीं दी, तो आप वो कहे कि इतना मांगो कि आप लोगों को मिल जाए, हम एक पूरे दावा के साथ कह रहे हैं इसको करवा के दे दें। उन्होंने वादा किया, वादा एकदम पक्का किया, 100% किए हैं। तो कब तक उम्मीद लगा सकते? उम्मीद ये मान के चलिए 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। मैं मोटा मोटा अगर ये मानूं इलेक्शन से पहले, मान के चलूं मैं 3 महीने का, इलेक्शन से पहले हमारा काम होगा, अगर नहीं होगा तो उनकी ही घेराव हम लोग करेंगे। मतलब ये उम्मीद है कि जैसे मान लो अभी फिलहाल में जिस हिसाब से बातों से ये लग रहा है कि जिस हिसाब से लोग अपना दाल में नमक डालते हैं उतना वो दे सकते हैं, उनके बातों के हिसाब से ना, वो अपने खुद ही कहें दाल में नमक अपना आप लोगों में मांगो, हाँ 2500 कम है आपका, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उतना नहीं पाओगे जितना मांग रहे हो, थोड़ा बहुत आप लोगों को मिल जाएगा और जल्द से जल्द मिल जाएगा। लेकिन पिछली बार जितना दिया तो उतना अनुमान है नहीं, उससे ऊपर का अरमान है, लगभग 10,500 का अरमान है। अच्छा अच्छा, अरमान तो 10,500 का है, लेकिन ना उनके बातों से ही कि परिवार को बाल बच्चों को अपने जिला खिला सकते, वही खुद स्वयं कहें। लेकिन यहाँ बहुत लोग परेशान थे, बोले कि सबके सब गायब हैं, तो मैं वही जानने का प्रयास किया, मैंने कहा आप जैसे ही मिलोगे मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो ये सुबह मतलब कितने बजे से आप गए थे और अभी शाम तक मतलब लगा? हम लगभग यहाँ से गए हैं 11:30 से, हम गए 11:30 से 3:30 बजे तक हम लोग बैठे रह गए। वो जैसे हम लोग पहुँचे तैसे उठ के चले गए नहाने के लिए, नहा के जब निकले हैं, निकलने लगे तभी हम लोगों से जाके अपने उत्थू में गार्डन में मिले हैं, पूरे हम लोगों को लिए हैं, हमारे पास वीडियो भी है। आप कोशिश अगर करना तो मुझे फोटो भेजो, छोटा सा कर दे, अभी मान कर पाओगे मैं चला दूँगा, मैं वीडियो भी दे दूँगा। हमारे देवता दीन भैया थे, हमारे जगनारायण दादा जी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के हैं, तो आप भी थे साथ में, पूजा जी थी साथ में हमारे, हमारे वेदांति भी थी, और तभी 10 लोग थे, अर्जुन यादव थे धनघटा से, उन्हीं 10 लोग हमारे मुजफ्फरनगर से भी थे, सीतापुर से राम कृपाल जी थे, सभी लोग के साथ में वार्ता हुई, कोई चोरी चरणाली बात नहीं। लेकिन हम तो कई दिनों से सुन रहे हैं कि देवता दीन यादव जी बहुत पुराने हैं, तो अभी तक के माहौल में क्या आपको लगा, आज कुछ अलग लगा कि मतलब क्या लगता है कि हर बार की तरह सरकार घोषणा देगी या लग रहा एक उम्मीद है कि हाँ मिलेगा? देखिए, जैसे हम लोगों ने मंत्री जी के बातों से मुझे पूरा आश्वस्त है कि वो जरूर करेंगे, क्योंकि हमने जब ज्ञापन दिया तो हमने इसमें 5 सूत्री मांग रखा है। पहली मांग है कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, दूसरी मांग हमने रखा है कि अगर राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो उसके समकक्ष वेतन और राज्य कर्मचारी समकक्ष सुविधाएँ दी जाए, तीसरी मांग हमने रखा है कि जो चौकीदार मर गए हैं उनकी जगह पर उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए, चौथी मांग हमने रखा है कि हम रात्रि के समय जब गश्त करते हैं तो कई बार हम जो है मृत्यु के शिकार हो जाते हैं हमारे भाई, कि उनको गोली भी मारी जा सकती है, चाकू भी मारा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका परिवार अनाथ हो जाता है। तो ऐसे हालात में हमने मुख्यमंत्री जी से वार्ता, मैंने आपके चैनल से मांग करता हूँ कि हमको जो है मतलब एक बीमा सुरक्षा दी जाए। पाँचवीं मांग जो हमारी है, हम चौकीदारों से जो हमारे कार्य हैं उस कार्य के अनुरूप कार्य लिए जाए, मतलब उस कार्य के अनुसार काम लिए जाए जो हमारे
मतलब पुलिस रेगुलेशन एक्ट में दर्ज है, लेकिन वह कार्य हमसे नहीं लिया जाता बल्कि बेघार का कार्य लिया जाता है। तो उसको भी मैंने मुख्यमंत्री के मतलब मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी के माध्यम से भेजा है कि आप इसको भी हमारा पूर्ण कराइए। यही हमारी प्रमुख मांगे 5 थी। हाँ, आपके चैनल से एक मांग मैं ज़रूर करता हूँ और आपको मैं बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चाहे उस मांग को ज़रूर चला करके और जन मतलब हमारे चौकीदारों के बीच में अधिकारियों के बीच में दूर रखें। उस बात को आप बहुत ढंग से समझिए। हमारे चौकीदारों की सबसे बड़ी समस्या जो जटिल समस्या है, मैं चौकीदार होने के नाते मुझे मालूम है कि क्या क्या इनकी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का 2 बिंदु पर सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। समस्याओं के विषय में, वेतन के विषय में नहीं, समस्याओं के विषय में हमारी जो हाजिरी है 15 दिन में मतलब सरकार द्वारा निर्धारित है कि 15 दिन में हाजिरी मतलब गांव को सूचना आकर के बताना है कि गाँव में कुशलता सही ढंग से है तो, और नहीं तो हम जा रहे हैं अभी थाने से और कोई अपनी घटना हो गई तो हमको पुनः आकर के फिर तुरंत बताना है। तो ऐसी कड़ी में मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे चौकीदारों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाए, बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाए। और दूसरी मांग उसमें है कि जिस प्रकार से 108 की सूचनाएँ ली जाती हैं, उसी प्रकार से यदि सरकार हमारी हेल्पलाइन बना दे और हमारी सूचनाएं डायरेक्ट मतलब जो है लखनऊ में पहुंचे और उसके बाद जो है जिस ज़िले की समस्या वहां के एसपी को पहुंचे, तो हमारे जो चौकीदार हैं आतंकवाद जैसी घटनाओं को रोक देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को आश्वस्त करता हूं। और जो तरह तरह की छोटी छोटी घटनाएँ हो रही हैं उसको हमारा चौकीदार बिल्कुल रोक देगा। लेकिन देवतादीन जी, मैं ये देखता हूँ जैसे कई विभाग होते हैं, मैं देखता हूँ हर विभाग का एक वर्ग, उस वर्ग का एक अधीक्षक होता है, आपके विभाग का क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पहले की प्रथा है उसमें चौकीदारों की कोई शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, अशिक्षित लोगों को ज़्यादा रखा जाता था। आज भी है कि इनके चौकीदार के पद पर जो कक्षा 8 पास की जो सरकार द्वारा नियमित किया गया कक्षा 8 की डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी अधिकतर लोग ऐसे लगते हैं कि जो किसी प्रकार से मतलब ये अपनी बातों को किसी के सामने ना कह सके, ऐसे लोगों को इस विभाग में सरकार रखना। लेकिन ये तो अंग्रेजी कानून के तहत आज भी आपको रखे हैं, मेन तो अंग्रेजी कानून बंद होना चाहिए ना जी। मैं उसी चीज़ के लिए जो है तमाम चीज़ें थी जो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी कि गाँव सभा की जो है सीधी सूचना आप थाना अध्यक्ष को देंगे, उसी कड़ी में मैं मांग करता हूं कि ये जो है व्यवस्था को तोड़ा जाए। इस कड़ी को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तो हम मरते रहेंगे और हमारे बच्चे भूखे मरते रहेंगे। अगर हमारा बीमा लागू कर दिया जाए, 108 की तरफ सूचना दी जाए, तो हमारे सारे चौकीदार एक भी सूचना की मतलब रोकेंगे नहीं, सब कुछ गोपनीयता मतलब चूंकि मतलब लखनऊ हमारा आएगी और लखनऊ के द्वारा जब उस जिले में कप्तान को जाएगी तो कप्तान जो है ये जान ही नहीं पाएगा किस चौकीदार ने इसको सूचना दिया है, क्योंकि हमने मतलब एक गाँव में कभी कभी जो है मतलब 50 गांव का एक थाना है, कोई 80 गांव का थाना है, तो हाँ मतलब इस प्रकार से मतलब जब 80 चौकीदार हैं तो ये नहीं हमको रोके किसी गांव की किसकी नहीं सूचना दे सकता हूँ। तो उसमें सरकार ये नहीं मतलब अगर सरकार द्वारा इसको रखा जाएगा कि नहीं जान पाएंगे अधिकारी कि ये कौन से चौकीदार ने किया है, तो उनको लिहाजा हमारी सूचना पर काम करना पड़ेगा, उस मुलजिम को घटना होने से पहले अरेस्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साथ में हमारे साथ जगनारायण जी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं आपके विषय? मैं इस गरीब चौकीदारों के विषय में यही कहना चाहता हूं कि इनकी सुरक्षा के बारे में हमारी सरकार हमेशा ध्यान रखे। ध्यान रखने का कारण यह है कि पहले इनके भरण पोषण की ध्यान रखे कि जो कि इनको कहीं अन्य जगह मजदूरी करने की जगह नहीं मिलती है कि कहीं किसी का और कोई काम करे। सरकारी काम है क्योंकि 15 दिन पर मुझे हाजिरी अपना देना पड़ता है और ये जो अन्य जगह पर किसी जगह हफ्ते हर हफ्ते में हाजिरी लेते हैं, किसी जगह 24 घंटा भी रखते हैं, तो यह हमारे गरीबों के लेकर के बहुत काफ़ी कष्ट गरीबों के दिया जाता है। तो इसलिए इसकी भी रेखा किया जाए और जो हमारे माननीय देवता दीन जी कह रहे हैं कि सरकार का नहारे हमारे गरीबों के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाए कि जो सरकार का नहारे हम लोग वहाँ से सीधे का नहारे यहाँ पर करें और यहाँ से करने के पश्चात हमारे एसपी को मिले लोकेशन और एसपी का नहारे तब वो आगे से जारी करें, इस तरह से हम हमारी सुरक्षा हो सकती है। ये गलत नहीं कर रहे हैं, भाई सही कह रहे हैं, और अगर हम डायरेक्ट सुरक्षा दे रहे हैं उस पर हमारे लिए दिक्कत खड़ी होती है, लोग दिक्कत खड़ी कर देते हैं डायरेक्ट कहने के लिए।
इसलिए हमारे कई बार मैंने दादा देखा है कि लोग ऐसे भी बहुत सारे ग्राम प्रहरी हैं कि जब वो सूचना देते हैं थाने पे तो उनका नाम खोल दिया जाता है, जिस वजह से कई बार कितने चौकीदारों के मर्डर तक होते हैं। इसी के लेकर के ना हम हेल्पलाइन के तो मांगते हैं कि हमको लखनऊ से कहना है हमारा लोकेशन लिया दिया जाए, कि सरकार हमसे लोकेशन ले, हमारा लखनऊ से होगा और वह लोकेशन तब वो कहना या ठीक जाए या पुलिस से जाए तब उसके वो कार्रवाई करें। अगर हम अपना पुलिस को दे रहे हैं वह हमारे लिए हमारे गरीब चौकीदारों के लिए दिक्कत खड़ी हो रही है। अब देखिए जगमनान दादा ने जो बात कही है बहुत है सोच समझ के कही है। मैं कई बार मैंने भी ये दिमाग नहीं कभी लगाया, लेकिन मैंने ये जरूर बीच में एक वीडियो बनाया था कि आपका एक वर्ग होना चाहिए, तो चाहे वो वर्ग तो एक मैटर अलग हो गया भाई, वर्ग होगा तो भी सम्मान होगा, लेकिन यहाँ पर जो दादा ये कह रहे जैसे हेल्पलाइन की बात, तो ये बहुत अच्छी बात है। या तो हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए या डायरेक्ट जैसे सभी को ये वायरलेस दिए जाते हैं उसी तरह ग्राम प्रहरी ड्यूटी समय देने चाहिए कि अगर कोई घटना घटित होती है तो डायरेक्ट अपने अधिकारी को वो बोल सके। अगर मान लो अधिकारी फ़ोन नहीं उठा सकते तो वायरलेस में तो ये रहता है कि खुला रहता है भाई, उन्होंने नाम लेके बोला कि मैं फला ग्राम प्रहरी, तो अधिकारी खाली सुनता है कान से, तो ये चीज़ डायरेक्ट ऊपर तक पहुँचनी चाहिए, यही तो चाहते हैं। यही मतलब ये थाने तक ना सीमित रहे, थाने का तो वेतन भी काट देते हैं। थाने पर नहीं बताता हूँ, थाने पर नहीं वह सीधे हमको जिले पर ना करना चाहिए, हमारा लोकेशन नहीं जाए, सीधे हमारा लोकेशन हेल्पलाइन द्वारा लखनऊ हुआ, लखनऊ से लोकेशन करना है वहाँ पर जाए, हम लखनऊ को लोकेशन देने तैयार हैं। पता ना चलो कौन सूचना दिया और इसे गोपनीय नाम रखा जाए, गोपनीय नाम अपने आप गोपनीय हो जाएगा सर जब लखनऊ आएगा, क्योंकि हम अकेले तो होकर के यह लोकेशन यहाँ पर देंगे, हमारे अगल बगल कोई नहीं आएगा, अकेले दूर से होकर के लोकेशन दे देंगे और वह लोकेशन ये बताएंगे नहीं, इनको यही लोकेशन मिलेगा कि फला स्थान से ऐसी घटना हो रही है, ऐसी घटना होने वाली है या ऐसा कार्य यहाँ हो रहा है, उसको लिए जब यहाँ से लोकेशन जाएगा तो वहाँ से जिले से कानाहरे थाने पर जाएगा, थाने वाले अपना उसका कार्रवाई करें, इसलिए सभी सुविधा की सुरक्षा हो जाएगी। हमारी बात पहुँचवाई बिल्कुल आपकी देखिए बात भी पहुँचेगी, और खासकर मैं दादा की भावनाओं को देखते हुए इनके जो एक इन्होंने जो हमें ये शब्द दे दिया है ये शायद मेरे भी अंतर बच चुका है। अब फिलहाल मैं ये हमेशा प्रयास करूंगा कि वॉइस ऑफ किंग पर सप्ताह में एक बार इस हेल्पलाइन की मांग हेतु हम अपने चैनल पर इसको प्रसारित करेंगे, ये हमारा वादा। इसके अलावा भी अन्य चैनलों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, क्योंकि ये हमारे विभाग के लिए सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि इससे कई परिवारों की जानें बच सकती हैं, जो लोग जिनका नाम खोल दिया जाता तो कई बार उनकी इतनी दुश्मनी हो जाती है कि लोग रात बिरात मार तक देते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। एक ये गमछा है, मारने के बाद इस गमछे को अगर फेंक देंगे तो ये आम इंसान हो जाएंगे, पहचान भी नहीं पता चल पाती कि चौकीदार मारा गया है, यही सत्यता है। आप गए थे, आपको क्या लगा? हमको भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ सर से बात हुई है, सर बताया है जो उम्मीद हम लोग लेकर के आए हैं वो उम्मीद पूरा होगा, और सर जितना के लिए बोले हैं उतना चाचा जी बताए हुए हैं, और बोले हैं मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके हम आपका चुनाव के पहले ही एक डेढ़ महीने के अंदर आप लोग का वेतन बढ़ जाएगा। क्या बात है, मैं आपको फाइनली एक बात ये कहूँगा कि एक डेढ़ महीने का समय जो दिया गया है आप लोग धैर्य बना के रखें, शांति बना के रखें, बाकी अशोक जी ने कह दिया है कि अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो ये जाकर के फिर उसके ऊपर जो भी इन लोगों को करना है वो करेंगे, लेकिन डेढ़ महीने आप लोग शांति बनाए, उम्मीद करते हैं कि वेतन घेराव हो सकती है, मंत्री जी का खुद ही हम घेराव करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरा कर रहे हैं, वो जैसे आश्वासन दिए हैं उनके आश्वासन पर हम धरना समाप्त किए हैं, अगर आश्वासन नहीं दिए होते धरना हम समाप्त नहीं करते, अगर आश्वासन दिए तो धरना समाप्त किए हैं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है तो उनका ही मंगलान खराब कर। अरे उन्होंने अपने मुंह से कहा है, उन्होंने अपने मुंह से कहा जो आपकी मांग है ये ज़्यादा है, ऐसा कुछ कहिए जो हम पूरा कर सकें, तो उस कड़ी में हमने कहा है कि जो हमारे जो है दैनिक मजदूर हैं अकुशल मजदूर उनको भी गवर्नमेंट द्वारा 350 रुपये की मजदूरी निर्धारित की गई है, लेकिन ऐसा तो पहली बार किसी नेता ने कहा कि थोड़ा कम कीजिए, एकदम खुलकर कहे, उन्होंने अपने दिल की बात कही तो मैंने भी अपने दिल से ये सोचा कि वास्तविक मंत्री जी चतुर्भुज कर्मचारी नहीं कर सकते हैं, ये विभाग मुख्यमंत्री जी के अधीन है हमारा, आप भी कहते और गृह सचिव भी इस समय नहीं थे क्योंकि ये मतलब साथ में गए थे उनके, मुख्यमंत्री जी के साथ में जो प्रमुख सचिव हैं वो भी उनके साथ है, प्रमुख सचिव और ये गृह सचिव दोनों विभाग वो देख रहे हैं, तो हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि मतलब DGP के द्वारा और सबके द्वारा ये क्लियर हो गया कि सर आप तो आज तो नहीं मिल पाएंगे, ऐसी स्थिति में ठंडक को देखते हुए, ठंडी बहुत ज़्यादा थी, हमारे चौकीदार गरीब हैं, उनके पास कंबल
कंबल क्या रोटी भी नहीं उनके पास नसीब होती है। ऐसी स्थिति में मैं देखा है कि अगर कोई चौकीदार हमारा मतलब भाई किसी प्रकार की अपनी छत होती है तो ये हमारे ऊपर एक लेम सा लगेगा। ऐसी स्थिति में मैंने जब देखा कि इनसे नहीं मुलाकात होती तब तो मैंने जो है मतलब जो है राज्य मंत्री परिवहन मंत्री राज्य मंत्री नहीं सर परिवहन मंत्री दयाशंकर जी से मिला और दयाशंकर जी ने अपने मुँह से कहा कि हम कुछ कम करिए तो हमने कहा वही आप असल मजदूर बराबर दे दीजिए। ठीक है मैं इसको दिलवाऊंगा। बहुत बढ़िया बात है ये पहली बार सूचना प्राप्त हुई है और 1.5 महीने आप लोग इंतजार करिए और ये मान के चलिए कि थोड़ा थोड़ा खाइए और राम राम करते रहिए उद्धार जरूर होगा ये मेरा भी मानना है। जिस हिसाब से बातें मैंने की है 1.5 महीने आप जैसे हर किसी का इंतजार करते आए हैं ऐसे इस धरने का भी इंतजार कर लें। 1.5 महीने बाद जो भी ये फैसला ये लोग लेंगे उस फैसला के अधीन आप लोग चले यही आप लोगों से मेरा आग्रह है। हमारे भाई जिंदाबाद 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 अनु भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।